क्या दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी हम लोग आशा नहीं करते कि इस टाइप से भी क्वेश्चन कोई पूछता है। तो जब इस लाइन से हमने यूट्यूब से जुड़ा, तब से मैं देखता हूँ कि जो मेरे को समझ में भी नहीं था उससे भी ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आने लगते हैं, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ सॉल्व करूँ। तो उसी टाइप से एक क्वेश्चन आया था, तो मैं उसी को लेकर के मैं फिर से एक बार इंजेक्शन टाइमिंग आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा कि शायद मैं कोशिश करता हूं तो आप कुछ ज्यादा समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे चार सिलेंडर का इंजन बना दिया, जैसे ये फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग, ठीक है। ये सिलेंडर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, चार सिलेंडर इंजन का बना दिया। उसका मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये TDC, BDC, TDC, BDC, यानी टॉप डेड सेंटर ये, और ये बॉटम डेड सेंटर। ये फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग होता क्या है और कब किया जाता है, ये चीज आपको मैं क्लियर कराता हूँ। तो मैं काफी पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि मैं इस टाइप से बताता हूँ कि ये 360 मैंने एक फ्लाईव्हील या डैम्पर, आप इसको फ्लाईव्हील भी मान सकते हो, डैम्पर भी मान सकते हो। जो इंजन का फ्लाईव्हील होता है आप उसको या तो फ्लाईव्हील समझ लो या डैम्पर समझ लो, तो दोनों चीजों में ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप समझ लो। इतना कंसर्न था मेरा कि हमको जो TDC जैसे 4 स्ट्रोक जो अपना इंजन कंप्लीट करता है और उसके बाद TDC पे जब पहुंचता है कंप्रेशन स्ट्रोक में, जब एयर को कंप्रेस करके बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जब पहुंचता है, ठीक है, तो बिफोर 90 डिग्री पहुंचने से पहले, ठीक है, बिफोर 90 डिग्री TDC पहुंचने से पहले फ्यूल का इंजेक्शन होता है और वो +5 डिग्री तक होता है। मतलब कि जैसे नीचे की ओर हल्का सा जाता है वहां भी फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ये आपने 90 डिग्री बिफोर 90 डिग्री हमने आपको बता दिया। तो अब इसमें ये आता है कि 90 डिग्री तो स्टैंडर्ड है, 20 डिग्री भी हो सकता है, किसी का 22 डिग्री हो सकता है, लेकिन मूलतः अपना 90 डिग्री 17 टू 19 डिग्री ही रखते हैं। इंजन का टाइमिंग मैंने काफी चेक भी किया है। तो ये चीजें हो गई कि टीडीसी पे आया, फ्यूल ऑटोमाइजेशन हो गया। तो अब कुछ लोग, जब मैं टेपेट सेटिंग का बात करता हूं तो काफी कमेंट्स आए हैं कि सर ये बताओ कि दो अगर पिस्टन टीडीसी में आ गया, मतलब कि आपका 4 सिलेंडर का इंजन है या 6 सिलेंडर का इंजन है, तो एक बार में 2 पिस्टन आपका, जैसे 4 सिलेंडर का इंजन है तो 1 और 4 दोनों आपके साथ में ऊपर क्यों आते हैं, उसके बाद जैसे ही नीचे आते तो ये ऊपर जाते हैं, तो एक साथ में आपके 2 सिलेंडर ऊपर आ गए, 1 नंबर और 4 नंबर। तो इसमें क्या होता है कि एक जो होता है ये अपना जो स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट करके यहां टीडीसी पे ये कंप्लीट कर लेता है। एक साथ में 2 अपने पिस्टन ऊपर है और ये जो है कंप्रेसर स्ट्रोक कंप्लीट करता है, ठीक है, यानी एक अपना जो है कंप्रेसर स्ट्रोक कंप्लीट किया और उसी टाइम पे ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट करता है। जैसे इसको पावर मिलता है, यहां से कंप्रेसर के बाद पावर स्ट्रोक आता है, तो जैसे इसको पावर मिलेगा तो ये सक्शन करने लगता है जब ये टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। दैट्स ऑल। इसी टाइप से इसमें भी होगा और 6 सिलेंडर का इंजन होगा उसमें भी इसी टाइप से होगा। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार मैं 360 क्यों बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा पुल्ली डैम्पर जो भी है 360 है, क्योंकि 360 डिग्री से अपना ये आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता है कि पंप कहाँ लगाना है, टैपेट कैसे मिलाना है। जैसे ये 4 सिलेंडर का इंजन है तो मैं एक यहां काट दिया टीडीसी, उसके नीचे एक यहां कर दिया, ठीक है, तो 1 नंबर यहां से जैसे हम इसको रोटेशन करेंगे तो ये एक का यहां पे कर देंगे, दूसरे
फायरिंग ऑर्डर को हम यहाँ पे मिला देंगे, तीसरे को यहाँ पे मिला देंगे, चौथे को यहाँ पे मिला देंगे। तो टैपेट आप दो राउंड में ऐसे भी, ऐसे टैपेट भी आप मिला सकते हो। और भी एक चीज है, कोई भी इंजन अपना जो 6 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 1 सिलेंडर हो, अगर ये 2 राउंड कंप्लीट करता है, इट मीन्स आप 2 राउंड को समझो। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज स्पेशल बता देता हूं। जैसे यहां से हमने सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट किया, ठीक है, एक पॉइंट नंबर 1, यहां से सक्शन स्टार्ट किया तो सक्शन हमारा यहां पे खत्म हो गया, यानी यहां से हमारा पिस्टन यहां आ गया टीडीसी से बीडीसी की ओर। अब सक्शन कंप्लीट हुआ तो यहां से हम क्या करेंगे, कंप्रेसर, ठीक है, तो यहां तक हमारा कंप्रेसर हो गया। और फिर जब हमारा यहां से पावर मिला तो यहां से पावर एंड एग्जॉस्ट, 2 राउंड में ये अपना कंप्लीट हो गया। 1 राउंड में आपका हो गया सक्शन कंप्रेसर, उसके बाद पावर एंड एग्जॉस्ट, 2 राउंड में अपना चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके आप इजी वे में कोई भी चीज, थोड़ा सा आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चाहे इंजन बनाते हो, इंजन बनवाते हो, या इंजीनियर हो या मैकेनिक हो, तो थोड़ा सा लॉजिक पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो आप लोग। मैं इसीलिए थोड़ा लेट करता है मेरे को, मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि मैं जो भी डालता हूँ आप लोगों को सटीक वीडियो डालता हूँ। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो जिसका एक्सपीरियंस जिसके पास होता है ना, वो बेस्ट बताता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि चलिए मैं आपको मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो प्रैक्टिकल आप लोगों को पिस्टन का समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा पिस्टन कैसे कहाँ से मूव करता है, तो उसके भाग की पोजीशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे इंजेक्शन टाइमिंग, और पंप लगाना भी हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ बार बार कि एक बार में 2 पिस्टन अपने TDC में आ गए, तो एक का जो होता है ये पावर स्ट्रोक होता है और दूसरे का सेक्शन स्ट्रोक होता है। इट मीन्स कि एक जो है अभी फायर हो चुका है, यानी यहाँ से 19 डिग्री बिफोर जब फ्यूल का इंजेक्शन होता है तो ये फायर कर जाता है। ठीक है, तो फायर करने के बाद में अब ये पिस्टन जो नीचे को जाएगा तो एक अपना जाएगा वो पावर स्ट्रोक में नीचे जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर स्ट्रोक अपना पूरा हो गया है। कंप्रेसर स्ट्रोक पूरा होने के बाद में एक पिस्टन जब नीचे जाएगा तो पावर स्ट्रोक में, यानी ये पिस्टन जो है इसके अंदर जो फायर हो जाता है तो ये अपने क्रैंक को मूव कराता है, यहीं से इंजन को पावर मिलता है। जो हम पंप लगाते हैं तो ये बिफोर TDC 90 डिग्री पे अपना हम पंप लगाते हैं। तो देखो जी, दोनों पिस्टन ऊपर में है, ये आपको पता करना होगा कि कौन सा, जैसे आप, मैं बताता हूँ कि आप टैपेट सेटिंग करते हो या कुछ भी काम करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे लेंगे तो अपना जो होगा क्या, एक जो होगा हिलेगा नहीं, एक का दोनों पुश रॉड, और दूसरे वाले का थोड़ा सा नीचे जाएगा तो सक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक जो होता है अभी टॉप में होता है और दूसरे का दोनों पिस्टन लॉक होते हैं, पिस्टन सॉरी दोनों जो होते हैं रॉकर आर्म वो लॉक होते हैं, क्योंकि वो वाल्व ओवर लैपिंग में होता है। तो चलिए मैं इसको मूव करा के दिखाता हूँ, और इस वाले में मैं 2 टैपेट पुश रॉड डाला है तो मैं इसको चेक कराऊँगा कि जैसे देखिए अभी ये घुमाइए, अभी घूमना स्टार्ट हो गया, ये वाला हिल नहीं रहा, ये हिल रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, और ये वाला स्थिर है। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो अब ये जब ये हम घुमा रहे हैं तो ये वाला मूवमेंट हो रहा है लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये जो है अपना कंप्रेसर स्ट्रोक में है, यानी दोनों वाल अभी क्लोज हैं। और इस स्थिति में जब अपना बिफोर 90 डिग्री आता है तो यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन होता है, और तब तक ये TDC तक ट्रेवल करता है, यहाँ तक ऊपर आ जाएगा बस, तो यहाँ तक में पूरा अपना फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है और ये वापस फिर ये पावर स्ट्रोक में चला जाता है। तो ये आपको देखना होगा ये वाल का पोजीशन कि कौन सा हिल रहा है कौन सा नहीं हिल रहा है, यानी अब थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है, तो फिर इसका जो है अपना सक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि ये पावर है तो ये सक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, फिर थोड़ा सा घुमाते हैं। देखिए ये वाला जो वाल है ऊपर की ओर आ रहा है, इनलेट यानी सक्शन हमारा दब रहा है, ठीक है। अब सक्शन दब गया, अब जैसे ये पूरा होगा नीचे जाएगा और नीचे से जब ऊपर आएगा तब ये कंप्लीट हो गया। अब देखना ये हिलेगा नहीं, अब ये कंप्रेसर स्ट्रोक हो गया, अब यहाँ पे भी ये फ्यूल इंजेक्ट होगा। तो चलिए हम आपको पंप लगा के दिखा देते हैं इजी वे में कि कैसे पंप आप इजी वे में लगा सकते हो, थोड़ा सा मार्किंग। खैर महिंद्रा इंजन में तो एक और सुविधा होती है कि ये जो ये देखो ये जो इसका होता है ना घूमता नहीं है, ये बाहर निकल के कहीं घूमेगा नहीं, ठीक है। और ये चाबी का निशान होता है तो चाबी में ही पंप फंसता है, तो आप इजी वे में पंप लगा सकते हो। अगर नहीं भी लगे तो आप इस वाले पोजीशन में बिफोर 90 डिग्री पे, मैं बता देता हूँ कि पंप में क्या देखना होता है। जैसा ये आप देख पा रहे हैं ये पंप है, ठीक है, चार सिलेंडर का पंप है, ये ट्रैक्टर का इंजन है। तो यहाँ से एक एक प्लंजर लगा हुआ है, यहाँ पे 2, 3, 4। तो अब अपने को जो लगाना होगा तो हम इसको मूव कराएंगे तो ये अप एंड डाउन होता है और इससे फ्यूल इंजेक्शन कंप्लीट होता है। तो अभी मैं लगा करके आपको चेक करा दूंगा लगाने के बाद में कि क्या पोजीशन होती है इन प्लंजरों की और क्या पोजीशन होती है पिस्टनों की। जैसे अभी पंप लगा दिया गया, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये दोनों पंप लग गया है, सॉरी दोनों पिस्टन टॉप में है, तो आपको यहाँ से अगर पंप आपका पहले से लगा हुआ है तो टैपेट मिलाने के लिए आप इसके प्लेट को खोल लें। अब इसमें आपको समझ में आएगा कि देखो ये वाला अपना बॉडी के बराबर में है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बढ़िया से समझ में आएगा, ये बॉडी के बराबर में, ये तीनों ऊपर है और ये अब आने वाला है 4 नंबर। तो अब हम घुमाएंगे, जैसे अपना ये 4 नंबर पिस्टन टॉप पे आएगा, ठीक है, तो ये बॉडी के बराबर यानी फायरिंग कर देगा। तो अब हम घुमाते हैं इस इंजन को ताकि पहले यहाँ दिखाते हैं फिर आपको ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए धीरे 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 धीरे, अब देखिए ये ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, देखिए हाँ चलिए। और ये जैसे बॉडी के बराबर आ गया तो देखो हमारा ये पिस्टन 4 नंबर टॉप में आ गया, तो ये टाइमिंग परफेक्ट है। तो ये जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये पूरा फायर कर चुका है फ्यूल, तो ऐसे करके आप पंप लगाओ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी देख लो ये अपना प्लंजर बॉडी के बराबर आ गया, ये बॉडी मतलब कहने का मतलब मेरा ये देखो ये वाला पॉइंट होता है ना ये कट, यहाँ तक आपका ये वाला आना चाहिए, ये देखो हाइट हो गया, ये देखो बराबर में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका ये TDC टॉप पे हो गया। और जैसे TDC होने के बाद भी थोड़ा सा फ्यूल इंजेक्शन रहता है ताकि पावर स्ट्रोक में प्रॉपर ये काम करे, तो इस टाइप से आप पंप लगाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। पंप लगा दिया दोस्तों, अभी हमने आपको फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग समझाया कि कैसे TDC पे फ्यूल इंजेक्शन होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि देखो हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि कोई भी हम लोगों को लाइक करता है कमेंट करता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, हमने ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर के आते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।